ने इतना तंग किया कि इनके 6-6 आदमी को मरने पर मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद ये लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार ये परिस्थितियां हैं, और बयान देने के बाद आप किससे पूछने जा रहे हो? आप उसके कॉल डिटेल को क्यों नहीं ले रहे हो? उसके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे हो? इनके पापा के, इनकी सिस्टर का, इनके भाई का कॉल डिटेल, किससे किससे बातचीत हुई, किसका फोन आता था, इनके दुकान पर कौन जाते थे? खुद पापा ने इन्होंने इनको बोल दिया 3-4 आदमी के चलते। बिहार में जो आज, अब आप सहारा को देखो ना, सहारा इंडिया की स्थिति यह है कि लगभग लोग यहाँ लाखों लाख लोग आत्महत्या करेंगे, सहारा इंडिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस मामले में मैं सीएम से बात करूंगा, उसके मोबाइल के बयान पर उस पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। सरकार को ऐसी घटना पर कठोर होनी चाहिए, साथ साथ इस परिवार को, जो एक बच्चे बचे हैं, उसको बचा। तत्काल हमारी पार्टी, हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं, हमारे नेता लीडर हैं, हमारे सभी बड़े लीडर हैं, अनुभव, सभी लोग, पार्टी तत्काल इनको 50,000 रुपया भी मदद कर रही है। इनको दुकान खोलवाने में पार्टी 2,00,000 रुपया मदद करेगी, ताकि ये अपनी चीजों को ये शुरुआत करे। तत्काल इस परिवार, चूंकि बच्चे बिल्कुल अकेला हो चुके हैं, जो यहाँ थे वहाँ 3-3 दिन खाना नहीं खाए। हमारे एक मित्र ने जिस तरीके की घटना, 3,000 रुपये के चलते पावा पूरी से लौटा देना, यह भी जांच का विषय है, और उस पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए। अस्पताल पर इंक्वायरी करके उसकी जांच होनी चाहिए, और सस्पेंड और डिस्चार्ज करना चाहिए। 3,000 के चलते 2 मौत बाद में हो गई, 3,000, छोटी बहन का एक जिंदगी, या तो वो कोई यूसुफ जई मलाला होती, या तो स्वयं सु होती, एक जिंदगी 3,000 के चलते चली गई। पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाए होंगे वो, और हम मजाक बने हुए, कोई लेना देना नहीं, तमाशा देख रहा है पूरी सोसाइटी और पूरे लोग। 5 दिनों के बाद आप आओगे यहाँ पर, एक आदमी सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा आज तक नहीं आया, एक दिन थाना आके चले गए। ये संवेदना है क्या? इतनी बड़ी घटना पर नेताओं की कोई बातचीत नहीं, एक परिवार कंप्लीट कोलैप्स कर गया दुनिया में। इसीलिए मैं उस रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज के बाद डीएम ने कहा कि पूरा का पूरा तुरंत होगा, रात में हम 2-2, 3-3 जान हो सकती थी, बचाया जा सकता था, नहीं 3 तो कम से कम 2 जान जिंदगी बच सकती थी, ना 2 तो 1 बच्ची बच सकती थी। और वो बच्ची सुबह में मार दिया गया, बच्ची मरी नहीं, मार दिया। बच्ची ने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया, बच्ची का कहना था कि हम लोग बच के क्या करेंगे, फिर आके हमको तंग करेगा। इसका मतलब है कि जो भी टुन्ना सिंह है, मुन्ना चुन्ना कुन्ना जो भी सिंह है, वह कहीं ना कहीं गलत हरकत उन्होंने किया होगा। इतना मौत, इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे कंप्लीट रूप से खतरनाक टॉर्चर है, और अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यह नहीं किया जा सकता है। मैं बस इतना आपसे आश्वस्त करता हूं कि मैं इस घटना में मॉनिटरिंग भी करूंगा, और इस बच्चे की केयरिंग एज ए पिता मैं करूंगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं। नवादा के उस दुकान पर किसी यदि खोलना चाहेंगे तो इनकी मदद हम होगी, ये अब यहां छोड़ दें तो मैं नहीं जानता हूं, यदि ये खोलना चाहेंगे नवादा या यहाँ, तो मेरी तरफ से मदद होगी, तत्काल मैं ये मदद कर रहा हूँ, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।